तो महाराष्ट्र के उस्मानाबाद से ये तस्वीरें सामने आई है जहां हिंदू और मुस्लिम एक साथ है और एक साथ बैठकर यहां पर नमाज पढ़ी गई। ये तस्वीरें हैं जहां एक साथ बैठकर हिंदू और मुसलमान दोनों ही नमाज पढ़ रहे हैं और ये तस्वीरें इस वक्त सामने आई है जिस वक्त शांति की काफी ज्यादा जरूरत है। उस वक्त सामने आई है जिस वक्त अजान और हनुमान चालीसा पर विवाद मचा हुआ है। उस्मानाबाद की तस्वीरें जहां अजान नमाज एक साथ हिंदू और मुसलमानों ने पढ़ी, लेकिन सिर्फ नमाज ही नहीं पढ़ी गई, ये सुनकर ये देखकर आपको आश्चर्य होगा कि हनुमान चालीसा भी एक साथ पढ़ी गई है। ये तस्वीरें आप देखिए, हनुमान चालीसा भी एक साथ पढ़ी गई है। तस्वीरों में आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से अजान और हनुमान चालीसा विवाद के बीच एकता की मिसाल पेश की गई है। ये बताया गया है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई है तो फिर ये धर्म की लड़ाई आखिर बीच में क्यों आई है। ये तस्वीरें दिल को छू लेने वाली ये तस्वीरें हैं। इस समय इस अंडरस्टैंडिंग की काफी ज्यादा जरूरत है। इस वक्त जिस वक्त अजान और हनुमान चालीसा पर विवाद मचा हुआ है, कई जगह कम्युनल राइट्स देखने को मिल रहे हैं, रिलीजियस राइट्स देखने को मिल रहे हैं, हिंसा भड़क रही है, तनाव है, दंगा हो रहा है, तो ऐसे में ये तस्वीरें दिल को ठंडा पहुंचाने वाली ये तस्वीरें हैं जहां एक साथ हिंदू और मुसलमानों ने बैठकर नमाज भी पढ़ी तो वहीं दूसरी ओर एक साथ बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया है। इस वीडियो को शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए कि हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर इस तरीके से रह सकते हैं तो फिर धर्म की लड़ाई बीच में क्यों आ रही है, तो फिर धर्म बीच में क्यों आ रहा है। इन तस्वीरों को आप देखिए। उद्देश एक स्वच्छ आणि शुद्ध उद्देश हाच आहे की मानवता हाच खरा धर्म आहे आणि याच्यासाठी या केशेगावातील सर्व बांधवांनी, हिंदू तसेच मुस्लिम बांधवांनी, ही जी अशक्य पाय असलेली गोष्ट आजपर्यंत ह्या स्वतंत्र भारतामध्ये हिंदू आणि मुस्लिम एकत्र येऊन कधीही नमाज पढलेले नाहीत किंवा हिंदू आणि मुस्लिम बांधव एकत्र येऊन हनुमान चालीसा कधी म्हटलेली नाही, परंतु या केशेगावातील हिंदू आणि मुस्लिम बांधवांनी एकत्र नमाज अदा करून आज जे काय अराजकता माजवण्याचं जे काय वातावरण या राज्यामध्ये ह्या देशामध्ये होते की धर्माधर्मामध्ये जी काय भांडणं लावायचं कारण होते तेही धर्माचा आधार घेऊन ते ह्या केशेगावने सिद्ध करून दाखवलेलं आहे की हिंदू मुस्लिम हे एकाच भाईचाराचा समजून चालत आहेत आणि त्याच धर्तीवर नुसतं केशेगाव म्हणून थांबलेलं नाही तर सर्व केशेगावातील हिंदू आणि मुस्लिम बांधवांनी हनुमान चालीसा आणि नमाज एकाच भोंग्यातून अदा केलेली आहे, त्याला वेगवेगळे भोंगे नव्हते। आपल्या प्रश्नामध्येच उत्तर आलेलं आहे की जे काय चाललं ते राजकारणात आहे। धर्माबद्दल प्रत्येक धर्माने एक दुसऱ्याचा मान आदर सन्मान एक धर्मी आणि दुसऱ्या धर्मियांशी मानवतेचा सलोखा हा सांभाळणं प्रत्येक मजहब नाही सिखाता आपस में बाहेर रखना। धार्मिक ग्रंथामध्ये आमचे ऋषी मुनी साधू संत पैगंबर प्रेषित हा सर्वांचं शिक्षण मानवतेचं आहे, एकमेकाशी सहकार्याचं आहे, मानवतेच्या दृष्टिकोनाने एकमेकाला सहकार्य करायचं आहे। राजकारणामुळेच ही सगळं काय तेढ निर्माण झालेली आहे। ह्या गावामध्ये मी मनपूर्वक शुभेच्छा देतो। हा फार एक मोठा कार्यक्रम त्यांनी आखलेला आहे की मानवतेचा आपण सर्व धर्म समभाव एक दुसऱ्या धर्माचा कोणी आदर मान सन्मान करावं ही निमित्ताने गळा भेट घ्या। Please, if you will.
चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार। भारत सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से मुंबई करों को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।